Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. In continuation to Indian Evidence Act lecture series, आज हम बात करेंगे section 103 of Indian Evidence Act. Section 103 बात करता है कि burden of proof as to particular fact. मतलब अगर if a person has to prove in the before the court कि ये particular fact है, अगर वो person ये prove, अगर person ये चाहता है कि court में court इस particular fact को believe करे कि हाँ ये ऐसा ऐसी situation हुई थी, तो फिर that person has to prove the same before the court. मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि if a person wishes the court to believe a particular fact or an existence of any particular fact, then such person has the burden of proof to prove the particular fact. मतलब अगर वो चाहता है कि court ऐसा माने कि ऐसा ऐसा fact हुआ था, तो उसको ये prove करना पड़ेगा court में कि ऐसा ऐसा fact हुआ था. ठीक है, अब हम समझते हैं इसको example से, आपको एकदम clear हो जाएगा. The example is कि if suppose A prosecutes B for theft, ठीक है, A prosecute करता है B को चोरी के इल्जाम में, ठीक है, and अब वो बाद में A को A ने बाद में देखा कि B ने C को ही admit किया है कि हाँ B ने C को admit किया कि उसने चोरी करी थी. मतलब A ने suit file किया against B for theft, ठीक है, कि B ने चोरी करी है, but A ने बाद में ये भी देखा कि ये जो B जो जिसने चोरी करी थी वो C को admit कर रहा है कि उसने चोरी करी थी. Now A wishes that the court should believe that B has admitted his theft before C. A चाहता है कि court इस बात को believe करे कि B ने यहाँ पर C को admit किया है कि B ने चोरी करी थी. इस बात का admission ये court में prove कराना पड़ेगा किसको, A को, वरना court नहीं मानेगा. अगर A चाहता है कि court इस बात को माने कि B ने C के सामने ही admit किया है कि उसने चोरी करी है, तो उस केस में यहां पर A को ये प्रूफ कराना पड़ेगा कोर्ट में कि हाँ B ने C के सामने एडमिट किया था रिगार्डिंग द थेफ्ट कि उसने चोरी करी है. इस एडमिशन को प्रूफ कराना पड़ेगा इन द कोर्ट एंड देन ओनली द कोर्ट कैन बिलीव दैट यस दीस फैक्ट्स वर एग्जिस्टिंग और B ने एक्चुअल में C के सामने एडमिशन किया था इस बात को लेके. एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि सपोज B विशेस, अब जैसे कि अगर मान लो A यहां पर A ने सूट फाइल किया है अगेंस्ट B for the purpose of trespass, ठीक है, for trespass अगर suit file किया against B, और यहाँ पर बाद में B suit file हो गया trespass के लिए, और बाद में B किसी और के सामने ये admit करता है कि हाँ मैं actual में उसके घर में गया था, but मैंने उसके सामने confess नहीं किया है क्योंकि उसने मेरे against suit file किया है. अगर ये admission B किसी C के सामने दे देता है, अब A को ये incident prove, अगर A चाहता है कि court इस बात को मान ले कि B ने C को admit किया है trespass से related, तो court ऐसे नहीं मानेगा. A को यहां पर ये फैक्ट प्रूव कराना पड़ेगा इन द कोर्ट कि B ने C को ये चीज एडमिट करी है एंड दैट्स हाउ द कोर्ट एंड कंसीडरिंग दैट कोर्ट शुड पास द डिसीजन इन माय फेवर. कोर्ट A के डिसीजन, A के फेवर में डिसीजन तभी पास करेगा जब A इस एडमिशन का प्रूफ कोर्ट में ले आए. ठीक है, तो इससे यहां पर ये समझ में आया कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि ये फैक्ट के बारे में कोर्ट बिलीव करे, तो उस द बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्टिकुलर पर्सन पे लाई करता है. तो यहां पर दोनों केस में A पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई कर रहा था to prove that B has admitted about committing theft to C or B has admitted about committing trespass to C. इन दोनों की चीजों को प्रूव करने के लिए इन दोनों ही चीजों का एडमिशन जो है वो कोर्ट में आपको प्रूव कराना पड़ेगा और बर्डन ऑफ प्रूफ यहां पर A पे लाया करेगा बिकॉज A इज द पार्टी who wants the court to believe about the existence of these facts. और court तब believe करेगा जब ये party prove करेगी. So this was all about this section 103. बहुत ही छोटा section था. अब हम मिलेंगे अगली video में जहां बात करेंगे section 104 की. And इसीलिए इसी तरीके से हम easy तरीके से सारी चीजों को, complicated चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे. And that's how we'll complete our evidence act lecture series. Till the time, bye bye, take care. आपको video पसंद आई है तो like button को जरूर दबा दीजिएगा, इससे हमको motivation मिलता है और इसी तरह हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे. गुड बाय, थैंक यू.